नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन और हम लेकर आते हैं आपके लिए मनी टाइम। ये खास बुलेटिन है पर्सनल फाइनेंस की खबरों का। उन खबरों को हम बटोर कर लाते हैं जिनका असर आपकी जेब पर, आपके जीवन पर पड़ता है और उसके असर को समझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर, राजस्थान में फिर शुरू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य का बजट पेश करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। इसी के साथ राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जा रहा है। बजट के दौरान उन्होंने कोरोना के चलते आर्थिक मुश्किलें झेल रहे परिवारों को फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया। मनी टाइम की अगली खबर, एलपीजी सिलेंडर के साथ ही साथ सीएनजी के दाम में होने वाली है भारी बढ़ोतरी। कोरोना महामारी का असर कम होने के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी लौट रही है और इस वजह से दुनिया भर में ऊर्जा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन संकट से भी नेचुरल गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ऐसे में अप्रैल से रसोई गैस और सीएनजी के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार हर 6 माह में नेचुरल गैस की घरेलू कीमतें तय करती है। कीमतों में अगला संशोधन अप्रैल में होना है, तब वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर देखने को मिलेगा। गैस की कीमत बढ़ने से एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। मनी टाइम की तीसरी खबर, क्रिप्टो और निफ्टी के विज्ञापनों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस। विज्ञापन दाताओं को क्रिप्टो और एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों में 1 अप्रैल से घोषणा के जरिए ये बताना अनिवार्य होगा कि ये अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाला उत्पाद है। ASCII ने कहा कि इस तरह के विज्ञापनों में ये भी दिखाना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेन देन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के दिशा निर्देशों की घोषणा उद्योग से जुड़े लोगों, सरकार और वित्तीय नियामकों के साथ परामर्श के बाद की गई है। नियामक की तरफ से ये दिशा निर्देश ऐसे समय में जारी किए हैं जब लगातार क्रिप्टो या एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों की संख्या आसपास बढ़ती जा रही है। और अगली खबर में फोकस करते हैं कि शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा। यूक्रेन संकट की परछाई यहां नजर आई और लगातार 6ठे दिन गिरावट का ही माहौल रहा है। बीएससी सेंसेक्स 68 अंक नीचे आ गया। यूक्रेन संकट को लेकर निवेशकों की धारणा बुरी तरह प्रभावित हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 29 अंक टूटकर 17,063 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान दोनों सूचकांक सकारात्मक दायरे में रहे क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि रूस पर पाबंदियों से राष्ट्रपति पुतिन का रुख नरम पड़ेगा, लेकिन बाद में बिकवाली के दबाव से बाजार में नुकसान ही देखने को मिला। सेंसेक्स के शेयरों में NTPC, L&T, नेस्ले और ICICI बैंक में सर्वाधिक गिरावट रही है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अगली खबर है काम की, क्योंकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने शेयरों की खरीद बिक्री का निपटान करने के लिए शुक्रवार यानी 25 फरवरी से T+1 सेटलमेंट साइकिल शुरू करने की तैयारी कर ली है। फंड और सिक्योरिटीज के नए सेटलमेंट साइकिल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सेबी ने 2003 में सेटलमेंट साइकिल को T+3 दिन से घटाकर T+2 दिन कर दिया था, जो अब T+1 होने जा रहा है। चीन के बाद T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ये एक टाइम फ्रेम है जहां स्टॉक एक्सचेंज 24 घंटे के भीतर सौदे का निपटान करेंगे, जिसमें अभी 48 घंटे का समय लगता था, तो ये समय कम होने जा रहा है। अगली खबर में है आपके लिए एक नई कार की बात। मारुति ने प्रीमियम हैचबैक बलिनो को एक नए अवतार में पेश किया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने प्रीमियम हैचबैक बलिनो को नया लुक देते हुए पेश किया है और ये इस गाड़ी का नया संस्करण है और इसकी एक शोरूम कीमत जो है 6,35,000 रुपए से लेकर 9,49,000 रुपए के बीच है। इसमें प्रीमियम इंटीरियर के अलावा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। मारुति ने बलिनो को सबसे पहले अक्टूबर 2015 में पेश किया था। देश में सर्वाधिक बिकने वाले 5 मॉडलों में बलिनो शामिल रही है। बलिनो के नए मॉडल की अभी तक करीब 25,000 बुकिंग हो भी चुकी है। कंपनी ने आज से इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए शुरू की नई पहल। व्हाट्सएप ने यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सेफ्टी इन इंडिया नाम से एक नया संसाधन केंद्र शुरू किया है। ये केंद्र ऐप पर उपलब्ध सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं के बारे में यूजर्स को जानकारी देगा। व्हाट्सएप ने बताया कि ये संसाधन केंद्र यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता और रक्षा पर केंद्रित है। साथ ही ये डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में संभावित साइबर धोखाधड़ी से यूजर्स को
कैसे सुरक्षित रखा जाए इस बारे में जागरूकता पैदा करेगा। सेफ्टी इन इंडिया के जरिए कंपनी का लक्ष्य लोगों को प्लेटफॉर्म से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है, जिससे वे सेवा का उपयोग करते समय अपनी सुरक्षा को भी नियंत्रित कर सकें। माल्या, नीरव और चोकसी से बैंकों ने रिकवर की कितनी राशि, आपको बताते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े मामलों में अब तक बैंकों का 18,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 67,000 करोड़ रुपए मूल्य के PMLA केस लंबित पड़े हुए हैं। मेहता ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 4700 मामलों की जांच की है। अगली खबर, वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ कर रही है बात। ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडस टावर में अपनी करीब 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ बात कर रही है। इंडस टावर में वोडाफोन के पास फिलहाल 28% हिस्सेदारी है। वोडाफोन 3,300 करोड़ रुपए मूल्य वाली कंपनी इंडस टावर में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए एयरटेल के संपर्क में है। इस बिक्री से वोडाफोन को मिलने वाली राशि उसकी भारतीय इकाई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में डाली जाएगी। इंडस टावर लिमिटेड पहले भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ये दूरसंचार टावर खड़ा करने, उनके स्वामित्व एवं प्रबंधन का काम करती है। इंडस टावर के पास 1,84,748 दूरसंचार टावर हैं। और अब वक्त है स्टार्टअप दुनिया की हलचल जानने का। डेवलपर्स के लिए टूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली स्टार्टअप हसूरा ने ग्रीन ओक्स की अगुवाई में $10 करोड़ जुटाए हैं। फंडिंग के इस दौर में मौजूदा निवेशकों नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर और वर्टेक्स वेंचर्स ने भी भाग लिया। नई फंडिंग के साथ हसूरा का वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो गया है और ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है। रॉनी स्क्रूवाला के निवेश वाले एडटेक स्टार्टअप लीडो लर्निंग ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मदद मांग रहे हैं। कई कर्मचारियों और वेंडर्स का कहना है कि उन्हें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर बॉश ने ऑटो स्पेस, गैरेज इक्विपमेंट और एक्सेसरीज की ऑनलाइन बिक्री करने वाले B2B प्लेटफॉर्म ऑटोजिला सॉल्यूशंस में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। हैदराबाद की ये कंपनी स्पेयर पार्ट की खरीदारी को आसान और डिजिटल बनाने का काम करती है। आपको देते हैं IPO का अपडेट। स्नैक्स और मिठाई निर्माता बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने 1,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए हैं। DRHP के मुताबिक बीकाजी फूड्स IPO के जरिए करीब 3.25 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी। ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी के प्रमोटर और वर्तमान शेयरधारक अपने शेयरों की बिक्री करेंगे। जोमैटो के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी भी शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी रही है। स्विगी $80 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का IPO लाने की तैयारी में है। स्विगी का IPO अगले साल की शुरुआत में आएगा। तो मनी टाइम में इतना ही, लेकिन देखते रहिए Money9, क्योंकि हम यहां पर लेकर आते हैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस की जुड़ी सारी जानकारी। चैन की सांस का वीडियो कल देखिएगा और समझिएगा कि वसीयत की क्या अहमियत होती है। Money9 के साथ जुड़े रहिए और Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर रहेंगे पर्सनल फाइनेंस की खबरों के साथ। अभी के लिए इतना ही।